हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अब तक सोम के सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ वाइंड लोड और यूडीएल के केस में, और कांटिलीवर बीम का जो है कि एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना सीखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूवीएल लोड के कोर्स में, अर्थात यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का, कि हम कैसे एसएफडी और बीएमडी ड्रा करते हैं, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिसका स्पान आपका एल मीटर दिया हुआ है, और 0 to W किलोन्यूटन पर मीटर के इंटेंसिटी से वायरिंग लोड है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड UVL लगा हुआ है। ओके, इसको हमको SFD और BMD ड्रा करने से पहले हमें सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले, चलिए रिएक्शन को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। तो मान लेते हैं रिएक्शन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो RA समेशन आप लिख सकते हैं FX=0 मान सकते हैं, ठीक है। इससे के बाद आप क्या करेंगे, मान लेते हैं RA पॉइंट ए पर रिएक्शन प्लस RB इक्वल टू कितना है लोड टोटल, तो हाफ L × W। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका W L/2, आप लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करेंगे, मोमेंट समेशन, मोमेंट एट पॉइंट मान लेते हैं 0 ए पर, तो यहाँ से ए पर अगर मोमेंट आप लेते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड पर कुछ कितने दूर, एक ट्राइंगल का फॉर्म में है, तो इतना पर एक्ट, टोटल लोड एक्ट करेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है 2H/3 इधर से, और इधर से अगर आप करेंगे तो H/3 होती है, इट मीन्स L/3। ओके, तो हम मोमेंट मान लेते हैं ए पर 0 है, तो हो जाएगा आपका RB एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा RB × L, और ये क्लॉकवाइज आएगा तो = इसको लिख लेते हैं, टोटल लोड है आपका इतना W L/2, ये लोड है टोटल, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर एक्ट करेगा, इसको मान लेते हैं जी, तो कितना होता है 2H/L, यानी कि 2L/3, 2L/3। ओके, तो यहाँ से अगर RB का अगर फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो RB का वैल्यू जो आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, WL²/3 होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कि RB का वैल्यू जो होगा WL/3। ओके, ये हो गया RB का वैल्यू रिएक्शन एट पॉइंट B। इस प्रकार रिएक्शन एट पॉइंट अगर A पर आप फाइंड आउट करेंगे इसमें, इसलिए रिएक्शन एट पॉइंट A जो होगा उस पे जो रिएक्शन आएगा आपका, तो WL/2 - WL/3 कर देंगे, तो यहाँ से जो रिएक्शन आ जाएगा एट पॉइंट A पर, वो आपका आएगा WL/6। ओके, WL/6 आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन की गणना। उसके पहले हम लोग मान लेते हैं ट्राइंगल है, इसके एक सेक्शन मान लेते हैं, सेक्शन XX है, ठीक है, C1 मान लेते हैं सेक्शन। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसकी स्पान, इस ट्राइंगल की, ठीक है, इस ट्राइंगल की स्पान हम मान लेते हैं x। ओके, और इसका जो इंटेंसिटी है ये W किलो न्यूटन। ओके, हम इसको मान लेते हैं, तो इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्ट करेगा, तो ट्राइंगल AC1C। ओके, और ट्राइंगल A मान लेते हैं इसको M है, AM और B, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों समरूप होगा।
हम इस पर हम समरूप का नियम लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से सम रूप ट्रायंगल के नियम से। ओके, तो इसके बाद से हम समरूप त्रिभुज का जो है नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं x ओके अपान हाइट w स्मॉल w इज इक्वल्स टू, इसी प्रकार बड़ा वाला जो ट्राइंगल है l अपान क्या हो जाएगा आपका कैपिटल W। यहाँ से अगर आप स्मॉल W का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कितना होगा स्मॉल W का, तो W x डिवाइडेड बाई l हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए स्मॉल W इक्वल टू कैपिटल W x अपान l। यहाँ से आपने एक रिएक्शन जो है कि रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं ये समीकरण दो है। रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए हम शियर फोर्स एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेशन, आल क्या होता है हम मान लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड को मान लेते हैं निगेटिव। ओके फ्रेंड्स, हमने बताया था कि शियर फोर्स कैलकुलेशन करते वक्त अपवर्ड अगर आप पॉजिटिव मानते हैं साइन कन्वेंशनल और डाउनवर्ड को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड जो है कि आपको निगेटिव मानना होगा। चाहे तो आप शियर फोर्स कैलकुलेशन करते वक्त आप बगैर इक्वेशन के भी फाइंड आउट कर सकते हो, मगर मैं आपको इस वीडियो में इक्वेशन के माध्यम से कैसे आप शियर फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं उसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो शियर फोर्स मान लेते हैं x, इक्वेशन मान लेते हैं एक सेक्शन पर, ठीक है एक सेक्शन है, इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट से। तो ए जो है कि रिएक्शन रोटेट करेगा, रिएक्शन ए सॉरी शियर फोर्स फाइंड आउट करने तो मोमेंट तो हमको फाइंड आउट नहीं करना है, ए अपवर्ड है, अपवर्ड को हमने क्या माना है पॉजिटिव, तो आर भी लिख सकते हैं आप आर भी। ओके और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका जो लोड आएगा एक्ट करेगा मान लेते हैं स्मॉल जी पर, स्मॉल जी इसका सेंट्रॉयड है इस पर एक्ट करेगा, तो टोटल लोड कितना, तो माइनस डाउनवर्ड है तो स्मॉल डब्लू एक्स अपान क्या हो जाएगा टू। ओके यहाँ से आप जो W है स्मॉल W का वैल्यू कैपिटल W x अपन L पुट कर सकते हैं। ओके तो R भी माइनस स्मॉल W का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो W x जब पुट करेंगे और x मल्टीप्लाई हो के हो जाएगा W x स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ओके और यहाँ पर L हो जाएगा 2L। ओके फाइंड आउट करेंगे इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया शियर फोर्स का। यहाँ से आपको शियर फोर्स एट पॉइंट A पर अगर फाइंड आउट करते हैं A पर और फ्रॉम लेफ्ट से तो x बराबर कितना है पुट करेंगे, जीरो आपको पुट करना है, ठीक है जीरो है, क्यों क्योंकि राइट लेफ्ट से आप चल रहे हो तो इधर तो ए पर डिस्टेंस कितना है जीरो ही है। तो आप आर बी का वैल्यू जितना आप रिएक्शन पर फाइंड आउट किए हैं आर बी का वैल्यू डब्लू एल अपान थ्री माइनस एस का वैल्यू जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आएगा आपका शियर फोर्स एट पॉइंट बी डब्लू एल अपान थ्री किलो न्यूटन। ओके इसी प्रकार शियर फोर्स एट पॉइंट आप बी पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना है, टोटल l आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लेफ्ट से चल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस b तक l हो जाएगा, तो आर बी यानी कि w l अपन थ्री आर बी का वैल्यू माइनस ये w कैपिटल w x का वैल्यू कितना पुट करना है l
तो एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू अपन एल। ओके, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका होगा कैपिटल डब्लू एल अपन थ्री माइनस कैपिटल डब्लू एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एल अपन टू। यहाँ से जब आप हल करोगे तो आएगा जो निकल के माइनस आपका ओ एट पॉइंट बी पर जो शियर फोर्स आएगा वो आएगा आपका माइनस। लेफ्ट से कैलकुलेट स्टर्न कर रहे हैं तो आर ए यहाँ पर हमने बी ए लिखना चाहिए था, हमने बी लिख दिया था, ठीक है। तो आर ए का हम लोग को लिखना चाहिए था, यहाँ सिक्स होगा, ठीक है। तो आर ए का वैल्यू जो है रिएक्शन एट पॉइंट ए हम लिखना चाहिए था, क्योंकि हम लेफ्ट से चल रहे हैं, हमने पहले बताया आपको लेफ्ट से चल रहे हैं, तो लेफ्ट से जब चल रहे हैं तो ए लिखना चाहिए था, हमने भूल से बी लिख दिया था, तो ए लिखना होगा आर ए की जगह, तो यहाँ सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जब बी पर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर सिक्स होगा और ए, तब जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा माइनस डब्लू एल अपान थ्री हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका बी पॉइंट पर। इस प्रकार आप जो है कि शियर फोर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के बाद अब हम कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट की कर ले ड्रा कर लेते हैं शियर फोर्स, मान लेते हैं ऐसे शियर फोर्स हम ड्रा भी कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ए पर हमने फाइंड आउट किया है डब्लू एल अपान सिक्स, ओके, डब्लू एल अपान सिक्स मान लेते हैं ए पर, यहाँ पर है। और उसके बाद बी पर माइनस डब्लू एल अपान थ्री, क्योंकि इसके टू टाइम्स अधिक है तो लगभग मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ओके, डब्लू एल अपान थ्री और ये हो गया डब्लू एल अपान सिक्स, ओके। क्योंकि हमने बताया था शियर फोर्स इनकेस ऑफ यूवीएल के केस में क्या होता है, पैराबोलिक होता है शियर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रा करते हैं तो कर्व होता है इनकेस ऑफ यूवीएल लोडिंग, ओके। तो यूवीएल है तो यूवीएल के केस में पैराबोलिक आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये आपका निगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, क्या हो गया ये एस एफ, जैसा कि हम लोगों ने एस एफ डी ड्रा कर लिया है। अब हम ड्रा करना सीखेंगे बी एम डी, और बी एम डी इक्वेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने उस में हमने स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू जो है कि समरूप त्रिभुज के माध्यम से कैपिटल डब्ल्यू एक्स अपान एल फाइंड आउट किया था, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन बनाया था। अब हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट, ओके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लिख सकते हैं फ्रॉम, किधर से आपको चलना है, लेफ्ट साइड से हम चल रहे हैं लेफ्ट, ओके। लेफ्ट साइड से चलने पर क्या होता है, आल क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसीडर करते हैं इनके साथ बेंडिंग मोमेंट के। अब हम सबसे पहले बेंडिंग इक्वेशन जो है कि हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड आउट किए थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आप जानते हैं जो इंड सपोर्ट होता है उस पर जीरो आता है, तो इंड सपोर्ट पर जब जीरो आएगा तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो कि बेंडिंग मोमेंट का मान वैल्यू मैक्सिमम होगा, वही पॉइंट होता है जहां पर शियर फोर्स का मान जीरो होता है। शियर फोर्स का यहां पर मान जीरो है, ये लगभग एल अपान अंडर रूट थ्री आएगा, अभी हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के माध्यम से एग्जिस्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंडिंग बी एम एक्स, ठीक है, मान लेते हैं ए एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, किसी सेक्शन पर मान लेते हैं, तो एक्स पर हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे आर ए का, तो आर ए, ठीक है, आर ए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सेक्शन के, तो आर ए इंटू स्मॉल एक्स माइनस ए, लोड कितना है, तो लोड यूबीएल का हमने बताया स्मॉल डब्लू, कुछ आपने लिखा था स्मॉल डब्लू एक्स अपान कितना था टू, ओके, हाफ हाफ डब्लू एक्स अपन टू, यही लोड होता है। और ये जो लोड है इस सेक्शन के, मान लीजिए इसी
स्मॉल जी जो पॉइंट है इसी पर एक्ट कर रहा है, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, तो मान लीजिए हम सेक्शन पर लिए हैं एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना है आपका एक्स बाई थ्री होगा, ठीक है, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई स्मॉल थ्री, ठीक है। यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो आर ए का वैल्यू जो कि पिछले इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया था वो था आपका डब्ल्यू एल कैपिटल डब्ल्यू एल अपान सिक्स और इंटू एक्स लिख सकते हैं आप, माइनस स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू एक्स अपान एल, स्मॉल डब्ल्यू का हो गया और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई मल्टीप्लाई कर देंगे टू का थ्री में तो सिक्स हो जाएगा, ओके, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा टोटल, ठीक है। यानी कि यहाँ से बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन हुआ आपको मिला वो मिला डब्ल्यू एल एक्स अपॉन सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन सिक्स एल, ओके, ये आपको मिला बेंडिंग इक्वेशन, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम वैल्यू को डिस्टेंस पुट करके जो है कि हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट ए और बी पर बेंडिंग मोमेंट जो है कि अगर वैल्यू पुट भी करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि यक्स है ए पर पॉइंट डिस्टेंस जीरो लिखना, जब आप लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बी पर भी जब एल लिखेंगे तो एल यहाँ पर एल स्क्वायर बाई सिक्स होगा और एल क्यू होगा तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन सिक्स और डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन सिक्स दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इन केस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इन केस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डी अपन डी एक्स का मोमेंट जो हमें बेंडिंग इक्वेशन है उसका हम क्या कर लेते हैं डेरिवेट कर लेते हैं इसको इज इक्वल टू जीरो के, ओके, तो आप टी अपन डी एक्स एम एक्स कितना है डब्लू एल एक्स अपन सिक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर अपन सिक्स एल, ये आपका है। यहाँ से आपका कर लेंगे डेरिवेट करेंगे तो आएगा कितना डब्लू एल अपन सिक्स, ओके, माइनस ए टू हो जाएगा टू डब्लू एक्स अपन सिक्स एल इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लिख सकते हैं डब्लू एल अपन सिक्स इज इक्वल टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, या कैंसिल आउट ना कीजिए, डब्लू एक्स अपन सिक्स एल, यहाँ से सिक्स और सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है कि एल स्क्वायर लिख दिया है क्यू यानी के एक्स क्यू, तो कितना आएगा थ्री थ्री हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर आएगा ना थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो होगा वो अब सही है एक्स स्क्वायर यहाँ पर थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री बजेगा यहाँ पर और एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से एक्स का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक्स, इसलिए एक्स का जो वैल्यू आएगा एल अपान रूट थ्री आएगा, ओके, ये जो है कि आपका हो जाएगा एक्स इजिकल टू एल डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, एल अपान रूट थ्री जो डिस्टेंस है इसी पर जो है कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू को, तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर जीरो आएगा, आप यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन में पुट करिएगा तो जीरो आएगा, एक्स एक्स दिया हुआ है तो जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर भी अगर आप फाइंड आउट करोगे x बराबर l रखकर, ठीक है, x बराबर l पुट करोगे जब इक्वेशन में इक्वेशन, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं डब्ल्यू एल x बराबर l रखना है अपान सिक्स माइनस डब्ल्यू एल क्यू अपान सिक्स एल, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो l से l कैंसिल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान सिक्स हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान सिक्स इक्वल टू कितना आएगा जीरो किलो न्यूटन
ये भी जीरो है, ठीक है। इन द सपोर्ट पर हमने जो है कि बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना डिस्टेंस पर, x इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई रूट थ्री पर। तो मैक्सिमम m बी एम एक्स मैक्सिमम बेंडिंग कितना, x इज इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री पर, ठीक है। कितना आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आएगा आपका इक्वेशन में पुट कर देंगे w l, x का वैल्यू जो है हमें पुट करना है l रूट थ्री, ओके, माइनस w x स्क्वायर x क्यू है, तो यहाँ पर भी आप पुट कर देंगे l अपान रूट थ्री का क्यू हो जाएगा, और 6l। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a w l स्क्वायर अपान 6 रूट थ्री, ओके, और माइनस w l क्यू और 3 रूट थ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट थ्री, और a l है तो l, ओके। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका w कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से w l स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, और 6 रूट थ्री तो कितना बचेगा 1, ठीक है। माइनस l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और 1 अपान 6 रूट थ्री, 1 अपान 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से फाइनल जो मिलेगा आपको w l स्क्वायर अपान हो जाएगा 2 w l स्क्वायर अपान 3 छत्री की 18 रूट थ्री कैंसिल आउट कर देंगे, तो w l स्क्वायर अपान 9 रूट थ्री। ये हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया आपका, w l स्क्वायर अपान 9 रूट थ्री, ओके। तो w l स्क्वायर मान लेते हैं यही है w l स्क्वायर अपान 9 रूट थ्री, ओके। इसको क्या करना है, कर्व कर्व फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। ये पैराबोला है, आप लिख सकते हैं पैराबोला, और ये क्या है, कर्व है। ये क्या है, पॉजिटिव, क्या है, बी एम डी इनकेस ऑफ यू बी एल, ओके। इस प्रकार आप बी एम डी फाइंड आउट कर सकते हैं इनकेस ऑफ यू बी एल, ओके। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।